अरे बड़ी अम्मा, एक अड़चन आ गई है। बिल्लू सिंह लखनऊ तो पहुंच गया है, पर प्रेस के सामने आने में उसकी हालत खस्ता हो रही है। बड़ी बोला, अरे जब मुंह फाड़ करके पैसे लिए थे तब तो बड़ा फुदक रहा था। उसको बोलो बयान देगा, वरना हम ऐसी खस्ता हालत करेंगे ना कि वापस जाने लायक नहीं रहेगा। अरे हम डरा धमका चुके हैं अम्मा, पर हमारी बात नहीं मान रहा है वो। आप आके बात करिए, है कहाँ वो? अरे वो घर के पास जो गोदाम है ना, वहीं रोक रखा है। ठीक है, तुम लोकेशन भेजो, हम पैदल ही आ रहे हैं। वो बंदा कैसे भी किसी के सामने नहीं आना चाहिए। जाते हैं। तुम कैसे चाहोगे, तुम चल नहीं पा रहे हो उसे। बड़ी अम्मा की सारी कारस्तानी वॉइस खत्म। सच्ची हमें कैसे भी उस बंदे को सामने आने से रोकना होगा। हम जाते हैं। कैसे जाओगे, तुम चल नहीं पा रहे हो उसे। तो एक काम करो, तुम सिद्धू को भेज दो प्लीज। प्लीज प्लीज। हेलो संजीव, टीम में देख रहे हैं कि काव्य काफी ज्यादा परेशान है, लॉक भी कर दिया गया। कि ओवरऑल सीन क्या है? सीन क्या है अगर बताऊंगा तो फिर आप एपिसोड नहीं देखोगे। तो सीन में बस यही होने वाला हो रहा है कि मैं गेस्ट रूम में अपने आप को रखा हुआ हूँ और वो गोडाउन में बंद है, और हम दोनों को, जो अम्मा और अनुराग जो प्लान कर रहे हैं उन्हें हराने के लिए, हमें बाहर जाना है। लेकिन काव्या जा नहीं सकती एंड आई एम नॉट वेल। देख रहे हैं आप, मुझे चोट लगी हुई है। तो काव्या को आके मैं बताता हूँ कि क्या प्लानिंग चल रही है, और उसके बाद फिर कुछ वैसा होता है कि देखते हैं क्या चलने वाला है। वैसा तो हम प्लान कर रहे हैं, अभी वो एपिसोड आपको दिखेगा क्या होने वाला है। देखिए, जो करना चाहती हैं वो होगा या नहीं होगा वो तो मैं चाहूँगा आप डेफिनेटली एपिसोड में देखो, पर जो भी होगा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको एक्शन भी दिखेंगे, इसमें आपको कॉमेडी भी दिखेगी, और मज़ा आएगा, क्योंकि जो एपिसोड इसके बाद आने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, कि आपको सीरियस लोग भी कॉमेडी करते हुए दिख सकते हैं, और सीरियस मूड पे एकदम ऐसे जोन है जैसे कि हम परेशान हैं लेकिन वी कांट डू एनीथिंग। ऐसा प्रेस के सामने आने में हालत खस्ता है उसकी। जब मुंह फाड़ करके पैसे लिए थे तब तो बड़ा फुदक रहा था। उसको बोलो बयान देगा, वरना हम ऐसी हालत खस्ता करेंगे ना तो वापस जाने के लायक नहीं रहेगा। देखो हम डरा धमका चुके हैं, पर अब आप आकर ही बात करिए। आप बड़े बोले, है वो घर के पास ही गोदाम है ना, वहीं रखा हुआ है। ठीक है, तुम जगह लोकेशन भेजो, हम पैदल ही आ रहे हैं। भाभी जी, यहाँ पे आसपास कोई गोडाउन है भाभी जी? ऐसा मत देखिए भाभी जी, जब जब हमको अब हम ऐसे देखते हैं हमारी जो बंटी पलट हो जाती है। संतू एक बात बताओ, अब तुम्हारी माँ समान है ना? हाँ। तो तुम एक बार आदि के लिए काबरा बने थे, एक बार हमारे लिए बन जाओ। सारी नहीं, इस बार सारी बनी नहीं। सारी देखो तो देखो, तुम्हारे जो आदि भैया है ना, वो बहुत तेज है। वो थोड़ी थोड़ी देर में आके चेक करेंगे कि हम है कि नहीं। और अगर आदि भैया अंदर आ गए और हमको पहचान गए तो, और भैया जो है अंदर आ गए तो और पकड़े गए तो सुनो तो, अगर ऐसा हो गया तो फिर दो तीन थप्पड़ खा लेना हमारे लिए, कोई बात नहीं। थैंक यू संतोष। हर बार बार बाकी की तरफ प्लीज बोलते थे, मैं कहा निकलवा दी। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.